जय हिंद जय भारत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ख्याति क्लासेस में। तो दिल मांगे मोर सीरीज का पार्ट नंबर यहां पर बात करने वाले हैं 30। तो किस तरह से करना होगा, देखो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अपन किस तरह से करने वाले हैं। तो देखो यहां पर कहना चाह रहा है कि सिंप्लीफाई 3x cos 4x - 5 cos 1 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3 और x = 1/2। यानी पुटिंग करने वाले क्वेश्चन आपके सामने अब आ गए हैं। तो यहां पर 9.3 के अंदर अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वह प्रोडक्ट करने वाले पढ़ रहे थे, यानी मल्टीप्लाई करने वाले पढ़ लिया था। अब अपन बात करने वाले हैं यहां पर सिंप्लीफाई करना है और फाइंड इट्स वैल्यू निकालनी है। x = 3 रख दिया जाएगा तो क्या आंसर आएगा, x = 1/2 रख दिया जाएगा तो क्या आंसर आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो आइए मेरे शेष जी बात करते हैं आपके सामने यहां पर सिंप्लीफाई किस तरह से करने वाले। तो सबसे पहले यहां पर देखो अपन लिखने वाले हैं सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर अपने को लिखना है यहां पर वी हैव। थोड़ी सी लैंग्वेज साथ साथ में लेके चलेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो यहां पे लिखा गया देखो 3x 4x - 5 + 3। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखो 3x का 4x के साथ मल्टीप्लाई, 3x का माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिखेंगे देखो 3x - 4x, फिर माइनस का माइनस लगा देंगे, 3x का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 5 + 3। तो यहां पे क्या आ गया 12x² - 15x + 3। यानी ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3 और x = 1/2। तो अपन आपके सामने यहां पर करने वाले देखो यहां पर अपन करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने क्या कहना चाह रहा है, इफ x = 3 देन क्या लिखेंगे, देन जब, यानी यदि x = 3 रखेंगे तब अपना आंसर क्या आएगा। यानी आपके सामने ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है उसके अंदर रखेंगे, या आप इसके अंदर रखो या इसके अंदर रखो, बात एक ही है। तो मैं इसके अंदर ही आपको करके बताने वाला हूं। तो देखो यहां पे लिखेंगे अपन 3x 4x - 5 + 3। यानी देखो x की जगह अपने को क्या रखना है, यहां पर 3 रखना है, क्या रखना है 3। तो देखो 3 × 3 = 4 − 5 + 3। समझ में आ गया, देखो x की जगह मैंने 3 रख दिया, यहां पर जहां x है वहां पर मैंने क्या रख दिया 3। अब 3 का क्या हो जाएगा 9, क्या हो गया 9। अब यहां पर 4 × 3 क्या हो जाएगा 4 × 3, यानी कितना आ गया 12 क्या करेंगे 5 + 3। अब देखो क्या करना है 9 = 12 - 5 = क्या आएगा 7। तो यहां पे क्या आ गया 7 + 3। अब देखो 9 × 7 कितना होता है 9 × 7 = 63 + 3, यानी आंसर कितना आ गया आपका 66। यदि आपने x = 3 रख दिया तो अपना आंसर क्या आया 66। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यहां पर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। सेकंड क्वेश्चन सेम वही आपको मेथड लगाना है, x = यहां पे लिखना इफ, क्या लिखेंगे इफ x = 1/2 देन, यानी x की जगह आप क्या रखेंगे, यानी आपके सामने जो एक्सप्रेशन है 3x 4x - 5 + 3। यानी तो x की जगह अपने को क्या रखना होगा, x की जगह अपने को रखना होगा यहां पे 1/2। तो देखो 1/2 को किस तरह से पुट करेंगे अपन, यहां पर देखो 3 × 1/2 फिर कोष्टक 4 × 1/2 - 5। समझ में आ गया, फिर साथ में क्या है यहां पर +3। अब देखो 2 की टेबल से 4 कट रहा है कितनी बार, 2 बार, और 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। और यहां पर 3 का 1 के साथ कर दूंगा और नीचे यहां 1 है, समझो 1 का 2 के साथ कर देंगे, तो यहां पे लिख सकते हैं 3/2 × फिर यहां लिखेंगे 2 - 5 + 3। अब 2 में से क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, यानी माइनस का 5 यहां पे बड़ा है मित्रों, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 में से 5 निकल गया, यानी कितना आया माइनस का 3 आ गया, क्या आ गया माइनस का 3। तो 3/2 × 3 माइनस का इसका आएगा माइनस का प्लस, यहां पे लिखेंगे 3 + 3। अब देखो 3 का 2 से 3 नहीं कट रहा, यानी नीचे क्या है समझो 1 है, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 सीधा क्या हो गया 9 - 9 / 2 +
3। अब क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है समझो 1। अब प्लस है, यहां पर क्या है प्लस है, तो 2 और 1 का क्या लेंगे एलसीएम, 2 और 1 का क्या लेंगे एलसीएम, तो हमेशा क्या एलसीएम आएगा 2 ही आएगा, क्या आएगा 2 ही आएगा, 1 के साथ किसी का भी एलसीएम लो वो हमेशा वही डिजिट आएगी। अब देखो यहां पर 2 का एलसीएम लिया, यानी 2 की टेबल में 2 कब आता है तो 1 टाइम आता है, तो यहां लिखेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई किसका करेंगे -9 का, किसका करेंगे -9 का। अब देखो यहां पे बीच में क्या है प्लस, तो यहां पे क्या लिखना है प्लस। अब देखो यहां 1 है तो 1 की टेबल में 2 कब आता है 2 टाइम, कितनी बार आता है 2 टाइम आता है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 वाले के साथ करेंगे तो यहां पर क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो यहां पर क्या आने वाला है 1 मल्टी -9, तो यहां पे आ गया माइनस का 9 प्लस क्या हो गया 6, 2 मल्टी 3 कितना हो गया 6 हो गया, और नीचे क्या लिखेंगे यहां पर 2, क्या लिखेंगे 2। अब -9 और प्लस का 6, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा मित्रों माइनस होगा, मगर -9 यहां पे बड़ा है यानी यहां पे आंसर भी किस में आएगा माइनस में ही आएगा, तो माइनस करो 9 में से 6 निकल गए तो 3 बच गया, वो भी किसका बच गया माइनस का बच गया, तो यहां पे लिखेंगे -3/2, ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप वापस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए अपन ने कर लिया है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। तो अब बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर बी की, किसकी बात करने वाले हैं यहां पर बी की, सेम वही क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, आपके सामने एक्सप्रेशन लिख के दे रखा है एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर ए इज इक्वल टू 0 रखना है, फिर ए इज इक्वल टू 1 रखना है और ए इज इक्वल टू -1 रखना है। तो सबसे पहले देखें यहां पे रखने वाले हैं सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन फर्स्ट अपन करने वाले हैं इफ ए इज इक्वल टू 0 देन, ठीक है ए इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तब अपना क्या आंसर आने वाला है। तो देखो यहां पर कंडीशन क्या आपके सामने पूरी, ए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, यानी ए की जगह अब देखो क्या रखना है 0, तो कैसे रखेंगे देखना, फिर यहां पे ए की जगह मैंने रखा 0, फिर मैंने रखा 0 का स्क्वायर, फिर 0 प्लस 1 और प्लस 5, यानी क्या आंसर यहां पर आने वाला है देखो 0, ठीक है यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो यहां पे ध्यान रखना कैसे होगा, देखो 0 का 0 रख दिया और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, फिर ये 0, तो यहां सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा अंदर 1 आएगा, क्या आएगा 1, और यहां पे प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है। अब 0 मल्टी 1 हो गया, 0 मल्टी 1 हो गया यानी यहां पे क्या हो जाएगा 0 और 0 प्लस 5, तो आंसर क्या आ गया 5, क्या आ गया आंसर 5 आ गया, ठीक है। तो देखो आपके सामने बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से करना होगा देखो, तो यहां पे a इज इक्वल टू क्या रखना है 1 देन, यानी जब a इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो अपना यहां पे आंसर क्या आएगा, तो सेम वही कंडीशन चलानी है, तो देखो यहां पर a ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, अब अपने को 1 पुट करना है तो 1, ठीक है फिर 1 का स्क्वायर, फिर यहां पर 1, फिर यहां पर 1, फिर कोष्टक 1 प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा फिर यहां पर 5 आ जाएगा। अब देखो 1 का 1 रहने देंगे मल्टीप्लाई है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 3 और प्लस 5, 1 का 3 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा 3 प्लस 5, यानी यहां पे आंसर क्या आ गया 8, क्या आ गया 8। अब देखना यहां पर अपन बात करने वाले हैं यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से करने वाले हैं, तो देखो यहां पर इफ क्या लिखेंगे, इफ ए इज इक्वल टू -1 रखना है, क्या रखना है माइनस का 1 रखकर अपने को चलना है, तो यहां पे ध्यान रखना देन, फिर यहां पर वही ए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। अब देखो कैसे करने, तो यहां पर ए की जगह क्या रखेंगे माइनस का 1, फिर -1 का स्क्वायर, फिर यहां पर -1, फिर यहां पे प्लस 1 और यहां पर 5। अब देखो किस तरह से करेंगे -1 क्या हो गया माइनस का 1 और -1 का स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर के अंदर आपका इवन नंबर है तो -1 मल्टी -1 कितना हो जाएगा, जैसे आपको बता देता हूं देखो -1 का स्क्वायर किया तो -1 मल्टी -1 हमेशा क्या होगा प्लस का 1 होगा, तो यहां पर लिखेंगे प्लस का 1, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 1, फिर यहां पर रहेगा 1 और प्लस का 5।
अब देखो ये माइनस का वन और यहां पर प्लस का वन दोनों क्या हो गए, कट गए, यानी जीरो हो गया वो। अब बचा क्या यहां पर वन, तो यहां पे लिखेंगे माइनस का वन और अंदर क्या बचा वन, फिर प्लस फाइव। माइनस वन और प्लस का वन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वन आएगा। तो यहां पे माइनस का वन प्लस फाइव। अब यहां पे पॉजिटिव डिजिट जो है बड़ी है तो पांच में से एक निकल जाएगा, यानी फाइव में से वन निकल गए तो आपके सामने क्या बचेगा फोर। तो इसका आंसर क्या हो गया फोर। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहां पर आपको तीन नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने वीडियो को शेयर नहीं किया मित्रों तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।